मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भारी विरोध के बाद भी लोकसभा और राज्यसभा में नागरिक संशोधन बिल पास हो गया है, मगर पूर्वोत्तर में इस बिल का भारी विरोध हो रहा है। आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा में इसका विरोध इतना बढ़ गया है कि जनजीवन से लेकर रेल, सड़क, यातायात ठप हो गया है। इंटरनेट सेवाएँ भी बाधित हो गई हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प के बाद लाठीचार्ज हुई। वहीं आसाम के कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है। हम आपको प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई और इसके बाद आगजनी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरह से नागरिक संशोधन बिल के खिलाफ पूर्वोत्तर में विरोध हो रहा है, किस तरह से आगजनी की गई और सड़कों पर किस तरह से ये विरोध हो रहा है, देखें तस्वीरें। जिस तरह से सारे कॉलेज निकलते रहे, जिस तरह से आए हैं, और उसके बाद इसका फ़ायदा उठा के कुछ असामाजिक तत्व विभिन्न तरह की तोड़ फोड़ में लगे हुए हैं, गाड़ियां जला रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये कर्फ्यू इम्पोज करना पड़ा है। 6:15 से हमने कर्फ्यू इम्पोज किया है और ये अनिश्चितकालीन है, जब तक कि शांति बहाल ना हो जाए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।